आपकी ड्राइनेस की वजह से जो है वो हेयर फॉल हो रहा है, हाँ। आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे, डैमेज हो रहे, ब्रेक हो रहे, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें सर्दियां हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने घर में जो है वो ढेर सारा बना के रखा है। क्या सिंपल इसके अंदर जो है वो हमने फ्लैक्सीड लिया है, और उसको हमने जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर डाला है। आपने इसको पकाना नहीं है, नॉर्मल फ्लैक्सीड जो होता है, नॉर्मल फ्लैक्सीड आपने पकाना नहीं, क्योंकि पकाने से इसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे जो है वो जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रिच जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्लस विटामिन ई इसके अंदर है। तो आप ये मैं थोड़ा सा इधर रख दूं ताकि इस पे क्लोजअप ले लीजिए। हाँ जी, क्लोजअप दिखा दें। ये वाला वाटर आपने जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। आप ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाह रहे, जेंट्स हजरात हैं, ड्राई बाल हो रहे हैं, समझ नहीं लग रहे क्या करें, तो सिंपल आप जो है वो इसका थोड़ा सा जो है वो ये देखें, इसकी इस तरह से जो है वो बिल्कुल ऑयली इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो, इसके अंदर इतना ऑयल है। आप क्या करें, टॉवल ड्राई करके अपने बालों पे चंद ड्रॉप्स इसके लें और आप अपनी स्कैल्प के ऊपर इसका सारा हल्का हल्का स्कैल्प में लगाना है, बालों पे नहीं, बालों पे रूट्स लेंथ एंड पे आप लगाएं, ठीक है। ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हम शाइन की बात कर रहे थे, आपके बालों में बहुत ज़्यादा जो है वो इसके साथ शाइन आएगी, ठीक है। अब अगर हम फेस के ग्लो की बात करेंगे, पहले हम सिर्फ बालों की बात करेंगे। बालों के लिए, उसके लिए एक हेयर मास्क जो है वो मैं बनाना बताऊँगी। बनाना आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए, बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए। आपने जो है वो इस तरह से जो है ये बनाना ले लेना है और इसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है, ठीक है। एक सेकंड मुझे ये सब चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ दिखाएं इसको कि हमने इसको इधर रख लिया, ठीक है। हमने बनाना लिया, बनाना को हमने मैश कर लिया अच्छे से। हाँ जी, कोशिश करें, घर में बनाना आए हुए होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, पक जाता है, ठीक है, जो खाने के काबिल नहीं रहता, वो लें, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसी के अंदर हम जो है वो 2 टेबलस्पून इस फ्लैक्स सीड का जो है वो जेल डाल देंगे, ठीक है। ये जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसकी जेल आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून डालनी है, बनाना के अंदर डाल दी, ठीक है। आपने शैम्पू के साथ जो है वो बालों को वॉश किया और ये वाला मास्क आप अपने बालों में रूट्स लेंथ एंड पे अच्छी तरह से 1 घंटे के लिए लगा लें। 1 घंटे के लिए लगा लें, आधा घंटा लगा लें, तो भी आपके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी। आप जो महंगे महंगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करूंगा बिकॉज टाइम नहीं, मैं रिकैप कर रहा हूँ। हाँ जी, देखिए जी, 2 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं कि लेकिन आपके बाल गिर रहे होते हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या है, फ्लैक्सीड लेना है, उसको गर्म पानी के अंदर रख देना है, भिगो देना है, और ये आपका लेसदार महलूल सा तैयार हो जाएगा जिसमें फ्लैक्सीड नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और ये पानी जो होगा ये ऊपर रह लेगा। अब आपने जब शावर लेना है, तो शावर लेने के बाद जब अपने बाल आपने ड्राई करने हैं, तो ड्राई करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा लेके अपने बालों में लगा लेना, ये आपको शाइन देगा। फिर अगर आपने बालों को गिरने से रोकने देना चाहते हैं तो आपने आधा केला लिया, उसको मैश किया और 2 टेबलस्पून इसके निकाल के इसमें मिला दिए, ये इस तरह से मैश हो गया। इस तरह से मैश करने के बाद आपने अपने बालों को किसी भी जो आपका शैम्पू है उससे धोया, और इसके बाद ये मास्क आपने 40 मिनट के लिए लगा लिया। ये आपके बालों को गिरने से भी रोकेगा, आपके बालों को बड़ा भी करेगा, और फिर इसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फिर इसको आपने टैप वाटर से जो है वो वॉश करना है, उसके बाद आपने शैम्पू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके बाल जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएंगे, और जिस तरह से आप सैलॉन से एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो जस्ट लाइक आपके बालों में वो लुक आ जाएगी। और जी, तो बाल तो हल हो गए, बालों का मसला। अब आप देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहते हैं, दोबारा से जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube पे जाइएगा, वहाँ देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे Facebook पे जाते हैं तो वहाँ देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शाह नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र खैरियत। अरे आप तो चमक रहे हैं यार आज बहुत। सर आपकी दुआएं। नहीं, मेरी तो दुआएं कभी नहीं, मतलब देता हूँ मैं आपको, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके लिए दुआएं मांग रहा हूँ। ये बताइए तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, सब अच्छा। अच्छा ये बताइए शाह साहब, आज क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या बता रहे हैं आज आप हमको? आज हमारे ऑडियंस के लिए क्या लेके आए? क्या वो टोटके हैं जिंदगी के, क्या लाइफ के? आज मैं अपना बेस्ट लेकर आया हूं मैं। ओके। और जो मेरा बेस्ट इस ईयर का रहा है और जो मुझे बहुत पजीराई मिली है और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, हाँ। आज वो हम कुछ टोटकेस बताएंगे, आप बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके। और बहुत सारी दुआओं में आपको मुझे सबको याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो इससे असर भी होगा, इससे काम भी आएंगे, ये नतीजा भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म आएगा। ओके, एक तो आप कोई भी चीज अगर कोई इंसान यूज करता है, अगर उसको 5 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता तो वो 5 साल में भी नहीं मिलता। हाँ, ले आओ, ले आओ, चले। और आज तो मैं भी आपको एक बताने जा रहा हूँ, मैं तो लाइफ के बड़े छोटे छोटे से हैक्स बताऊंगा, बहुत सारी चीजें नहीं यूज करता मैं। तो आपको इधर दिखाइए, अगर आप थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आपकी टू टोनिंग जो है वो खत्म हो जाए, आपके ब्लेमिशेस खत्म हो जाए, चेहरे पे ग्लो आ जाए और चेहरे की स्किन थोड़ी सी लाइटर हो जाए, तो उसके लिए मैंने एक लाइफ का बहुत बड़ा हैक दरियाफ्त किया हुआ है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से होता है और सिर्फ एक चीज़ के ज़रिए होगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि आप अपने चेहरे से इंस्टेंटली 5 से 7 साल कैसे वापस ले सकते हैं, इंस्टेंटली 15 मिनट के अंदर अंदर, घर की एक चीज़ के साथ, सिर्फ एक चीज़, दूसरी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपको। तो एक तो आप भी ग्लो के बारे में बताएंगे, बालों के बारे में बताएंगे और वेट लॉस के लिए बताएंगे आप शाह साहब। जी बिल्कुल, वेट लॉस के बारे में भी, बालों के बारे में भी, जॉइंट्स पेन के बारे में भी। ओके ओके, और फेस ग्लोइंग के बारे में भी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप किस बारे में बता रही हैं? हम बेसिकली जो वेट लॉस है उसके लिए, हेयर फॉल के लिए और स्किन ग्लो के लिए। अभी इस वक्त हम हेयर फॉल पे जा रहे हैं। हम पहले हेयर फॉल आइए प्लीज़। तो हम डॉक्टर साहब के साथ हेयर फॉल पे जा रहे हैं। लेट्स सी कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। अच्छा, बालों का मसला सबको होता है और बड़ा कॉमन मसला है सर्दियों के मौसम में। होते हैं ना, इसलिए नहीं, सबके नहीं होते वो बाद में, कुछ लोगों के होते हैं, कुछ के नहीं होते। नहीं होते तो पहले हैं, वो पहले गिर गुर जाते हैं। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकते हैं, शादीशुदा होना, शादीशुदा होना बहुत बड़ी वजह, एक सबसे बड़ी वजह होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी आप शादी ना करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। अच्छा, आप लोग ना, यू कैन से दैट एंड गेट अवे विद इट। मैंने कहा ना, वो फौरन वायरल हो जाता है साहिब। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, आपकी जो मर्जी में, आप शादी करें, मेरी क्या, मुझे क्या, ना करें मुझे क्या, जिंदा रहें, बहुत बहुत खुश रहें, बस आप जैसे भी हैं खुश रहें। आप कह सकती हैं मैम, ये आप कह सकती हैं, मैं नहीं कह सकता। नहीं, मैंने तो कर ली है ना, मैं तो कह सकती हूं। अब आगे वाले ना करें। अच्छा, जिनसे किए वो भी शायद यही है, तो बिल्कुल तो उनसे पूछ लिया जाए कि कैसी गुजर रही है तो पता चलेगा। नहीं नहीं, उनकी बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन देखें स्टिल हमें उनके भी बाल ग्रो करने पड़े। जी ठीक है, हमने पहले गिराए, फिर उसके बाद हमने उगाए। अच्छा जी, बताइए क्या है? तो जी अच्छा, एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, मतलब आम होती है, कोकोनट ऑयल। ठीक है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। आप अगर ये कोकोनट ऑयल लेते हैं, ठीक है, इसकी मिकदार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं कि जी हम रोजमेरी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी ठीक नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, आपने अगर कोकोनट ऑयल लिया, ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपने उसकी मिकदार क्या रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये जमा हुआ है तो ये डेफिनेटली मेल्टेड होता तो हम उसको डालते, लेकिन इट शुड बी इक्वल। ठीक है, यानी कि रोजमेरी ऑयल और कोकोनट ऑयल। अच्छा, कोकोनट ऑयल जो है ना, बेसिकली एक लाइट ऑयल है, ठीक है, ग्रीसी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें इसका ये बेनिफिट होता है कि यानी नहीं, ये भी नहीं निकलेगा। हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये कि ठीक ऑयल है। ठीक है, इसका मतलब अच्छा ऑयल है। हाँ, क्योंकि अगर ये जमा हुआ है इस वेदर में तो इसका कितना आपने, जितना आपने कोकोनट ऑयल लेना है उतना ही रोजमेरी। अच्छा, दूसरा, इसको मिला के ना रखें। ठीक है, आपने जिस वक्त यूज करना है तब आप उसी वक्त मिलाएं और इसको लगा लें। और कभी भी आप कोई ऑयल इस्तेमाल करें 2 घंटे से ऊपर नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि हम कैस्टर ऑयल मिला रहे हैं, लेकिन दैट शुड बी जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, ओके। अच्छा, कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल भी मिलाया जा सकता है, लेकिन वो 2 से 3 ड्रॉप से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत थिक ऑयल होता है, वो आपकी स्कैल्प को बहुत ग्रीसी कर देगा